तो गाइज आज की इस वीडियो में हम एक कमाल का वाटर पंप बनाने वाले हैं, वो भी वेस्टेज सामान से, बोरोलिन के डब्बे से एक वाटर पंप हम बनाने वाले हैं जिसे आप 3.7 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हो दोस्तों। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक बोरोलिन का खाली डब्बा जो कि आपके घर में पड़ा ही होगा। अभी ठंड पार हुई थी तो ये तो लोग यूज़ करते ही, तो आपको मिल ही जाएगा इजीली। एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये एक शीट है प्लास्टिक का, किसी भी ढक्कन को आप यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें से गोल पीस काट लेना है एंड चार इस तरह के लगभग 2 सेंटीमीटर करके ये कट कर लेने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं मोटर यूज़ कर रहा हूँ, DVD का मोटर है ये जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की मदद से एक होल कर दूँगा जहाँ पर हम अपने मोटर को फिक्स करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने होल कर दिया है एंड यहाँ पर मैं अपने मोटर को लगा लेता हूँ। यहाँ पर इसे चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा दोस्तों डेंड्राइट का, नहीं यूज़ करूँगा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर बॉन्ड टाइट का भी यूज़ नहीं करूँगा, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दूसरे ग्लू का यूज़ किया, आप बॉन्ड टाइट का यूज़ करें, बॉन्ड टाइट काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है दोस्तों। तो आप बॉन्ड टाइट का यूज़ करें इसे चिपकाने के लिए, फेविक्विक से नहीं चलेगा ये सही से। तो यहाँ पर बीच में एक छोटा सा होल करूँगा जिसमें कि हम मोटर के शाफ्ट में इसे लगा पाए, और फेविक्विक की मदद से पहले मैं इसे चिपका देता हूँ यहाँ पर, ये जो चार पंखुड़ियाँ है इसकी, इसे चिपका देता हूँ और यहाँ पर इसकी प्रोपेलर बन के रेडी हो जाएगी दोस्तों। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर ग्लू स्टिक की मदद से इसे अच्छे से चिपकाऊँगा ताकि ये हमारा एक मजबूत बन जाए अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का पीस रखा है एंड उसे सोल्डरिंग आयरन से गला करके मैं यहाँ पर चिपका रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा जो ग्लू गन है वो मिसिंग है, वो कहीं रखा गया है, इधर उधर मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक जो कफ सिरप होती है उसकी जो ढक्कन होती है दोस्तों, किसी भी सिरप के दवा के ढक्कन का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एंड इसे मैं यूज़ करूँगा मोटर को कवर करने के लिए, जिसमें कि जिसके वजह से हमारे मोटर में पानी नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसे बिल्कुल हम सबमर्सिबल बनाएंगे जिससे कि हमारा मोटर डैमेज ना हो बिल्कुल भी। यहाँ पर छोटा सा हम होल करेंगे जिसके थ्रू हम अपने वायर को पास करेंगे एंड यार वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, क्योंकि इसके बाद कमाल की वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ग्लू का दोस्तों, इससे हम मोबाइल के डिस्प्ले वगैरह को भी चिपकाते हैं, तो इस ग्लू का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर बॉन्ड टाइट का यूज़ कर सकते हो, बॉन्ड टाइट बहुत ही अच्छा जोड़ देता है एकदम, बहुत ही अच्छा चिपकता है बॉन्ड टाइट, तो बॉन्ड टाइट का आप यूज़ करें, दो उसमें होते हैं, दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है दोस्तों, और 20 रुपये में ही आपको छोटा सा बॉन्ड टाइट मिल जाएगा फ्रेंड। तो यार चैनल पे नहीं तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सपोर्ट कैसे मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर मैं इस वायर को कुछ इसकी मदद से फिक्स कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर पानी ना जाए एंड फिलहाल ये देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें होल करना है, तो इसे मैं टाइट कर लूँगा इसके ढक्कन को एंड यहाँ पर हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से एक होल बनाएंगे। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कमाल के वीडियोस देखने के लिए एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक दे दूँगा, बहुत ही कमाल के गैजेट्स मैंने बनाए तो उसे भी ज़रूर आप चेकआउट करें। तो यहाँ पर मैंने होल कर लिया है फ्रेंड्स एंड यहाँ पर इस ब्लेड को मैं यहाँ पर ऐसे फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब ब्लेड को फिक्स करने से पहले आप थोड़ा सा उसमें फेविक्विक या फिर ग्लू वगैरह डाल दें ताकि वो जाके चिपक जाए अच्छे से। एंड इस ढक्कन को मैं यहाँ पर अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये भी ढक्कन के ऊपर भी हमें होल करना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ढक्कन के ऊपर होल कर लेता हूँ पहले, एक ज़्यादा बड़ा भी होल नहीं करना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं, नॉर्मल सा होल करना है हमें इस ढक्कन के ऊपर में, ताकि जिससे कि हमारा वाटर है वो सक कर पाए। एंड आउटलेट तो हमने बना ही दिया है, तो यहाँ सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैंने यहाँ पर एक होल बना लिया है कुछ इस तरह से। फ्रेंड सोल्डरिंग आयरन आप थोड़ा ध्यान से यूज़ करें, काफ़ी गर्म होता है। तो यहाँ पर मैं इसे लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये हमारा ढक्कन भी लग चुका है। एंड अब मैं क्या करूँगा कि एक पेन का यूज़ करूँगा, यहाँ पर आप एक किसी भी पेन का यूज़ कर सकते हो एंड उसे कुछ इस शेप में काट लेना एंड उसे मैं यहाँ पर इस तरह से चिपका दूँगा जिससे कि हमारा पानी निकलेगा, यहाँ से वाटर फ्लो होगा। तो यहाँ मैं पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे फेविक्विक लगाता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ग्लू स्टिक की मदद से इसे पूरा अच्छे से चिपका दूँगा ताकि ये मजबूत हो जाए एकदम, इसमें से वाटर लीक ना करें।
तो यहाँ पर देखिए हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। मैंने इसके वायर्स में भी सोल्डरिंग करके और भी तार लंबे कर दिए एंड यहाँ पर इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है मैंने। तो ये देखिए हमारा काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। तो ये आईफोन की बैटरी है, हम आईफोन की बैटरी से वाटर पम्प को चलाएँगे। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों एंड अच्छे से घूम रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। आप इसे मोबाइल की बैटरी से बहुत ही अच्छे से चला सकते हो, एकदम अच्छा काम करता है, बहुत ही पावरफुल है एंड 5 वोल्ट से। मैं यहाँ पर अभी इसे पावर बैंक से आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। पावर बैंक से भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये पावर बैंक है एंड मैंने क्या करा है कि इसमें एक USB कनेक्टर कनेक्ट कर लिया इस मोटर के साथ एंड इसे मैं पावर बैंक में लगाता हूँ एंड ये देखिए काफ़ी अच्छा घूम रहा है। एंड जैसे पानी में डालता हूँ ये देखिए इसके वाटर की फ़्लो फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी यार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे कमाल के वीडियोस देखने के लिए। राइट वाली वीडियो देखना ना भूलना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेफ्ट वाली वीडियो की तो बात ही अलग है। तो ज़रूर वीडियो चेक करें ये, ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।